इसके टायर की स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज है भाई। ये देखो गड्ढा कर दिया इसने यार यहाँ पे, कमाल है। और ये मेरे को हाथ में लेने में भी डर लग रहा है, असली लग रहा है यार ये कतई जहर। तो यार हम तो भाई स्कूल में ऐसी हरकतें करते थे, अब जिसके अंदर थोड़ा सा पानी डालना है स्प्रे निकलता है। कितना ज्यादा असली लग रहा है ये। तो हेलो फ्रेंड्स, एक बार जो आप लोगों दोबारा से बहुत बहुत वेलकम है आज के इस लेटर और काफी ज्यादा ताबड़तोड़ अल्टीमेट कलेक्शन ऑफ टॉयज में, जिसमें होने वाला एक रिमोट कंट्रोल वाला नाजा कोबरा और ये एक किंग कोबरा जो भाई डस लेता है, और साथ ही में होने वाली है एक नहीं, दो नहीं, दस नहीं, पांच नहीं, बल्कि टोटल 13 गार्डियन डाईकास्ट वाली यानी प्रॉपर मेटल की बनी हुई, और उसी के साथ आरसी स्मोक कार से लेके एक ट्रेन वाली ज्योमेट्री बॉक्स जो कि भाई जंबो ज्योमेट्री बॉक्स होने वाली है, और गेम कंट्रोलर से लेके गेम पैड तक बहुत ही सारी चीजें होने वाली है। और आज एंड में नहीं बल्कि बीच में ही दे दिया जाएगा 15 लोगों को शॉट आउट, जिनमें भाई हैप्पी बर्थडे शॉट आउट भी होने वाला, जिनमें से किसी एक को नहीं, दो को नहीं, बल्कि तीन लोगों को मिलने वाला यूएसबी चार्जिंग वाला एक लैंप जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होता है, और इसके अंदर हमें एक रिमोट कंट्रोल भी मिलता है कुछ इस तरह से। और ये यहाँ पर आप ऑन ऑफ का बटन देख रहे हो, इसको आप ऑन करोगे तो इसके अंदर आप जैसी मर्जी चाहो वो वाली लाइट जला सकते हो, और अगर आप चाहो तो इस तरीके से अपनी फिंगर से टच करके भी इसको चेंज कर सकते हो। तो अभी के लिए इसको ऑफ करते हैं। तो हम लेने वाले हमारी सबसे पहली वाली जंबो ज्योमेट्री बॉक्स जो कि एक ट्रेन की डिजाइन में आती है, और साथ में ये प्रॉपर मेटल की बनी हुई है। ये रहा इसका साउंड है ना, कितनी गजब। और ये ना छुक छुक वाली ट्रेन है, जो इंजन होता है ना ट्रेन का, ये वो वाला कंपार्टमेंट बनवाया। तो यार अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ये सब्सक्राइब बाजू में दिए बेल आइकन में, ताकि आने वाली जितनी मेरी लेटेस्ट वीडियो आप लोग सबसे पहले देख पाए। तो भाई देर किस बात की, फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए। तो ये जो है इसके नीचे आपको व्हील मिलने वाला, एक हीरा, एक हीरा और एक हीरा, यानी कि टोटल इसके अंदर 6 पहिए हैं। जब आपका लंच हो या गेमिंग पीरियड हो तब आप इसको जो है अपने आराम से टेबल पर इस तरीके से खेल सकते हो, और जब आपको पढ़ना लिखना है तो इसको ज्योमेट्री को खोलना, यहाँ पर आपको स्पेस ही स्पेस देखने के लिए मिलेगा। चाहे यहाँ पर आप अपने कलर रखो या आप अपनी पेंसिल शॉर्पनर इरेजर कुछ भी रख सकते हो, डी तक आ जाएगा आपका कंपास आ सकता है बड़े आराम से। और ये डबल डेकर है, यहाँ पर भी आपको स्पेस मिलता है। प्लस में जो इसका तीसरा फंक्शन है वो ये कि इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलते हैं कॉम्बिनेशन वाले टेबल, जैसे कि 6 zigzag कितना होता है ये तो आपको ही बताना पड़ेगा जब आपको चैलेंज मिलेगा। और यहाँ पर भी ना एकदम 3D और HD वाली इमेजेस बना रखी है, जिससे कि आपके एंटरटेनमेंट में बिल्कुल भी कमी नहीं होने वाली। तो ये जो इंजन वाली ट्रेन है ये काफी तगड़ी, साथ में इसके अंदर आपको एक व्हाइट बोर्ड भी देखने के लिए मिलने वाला है जो एक जुगाड़ वाला, ये देखो ये भी व्हाइट कलर में, ये भी व्हाइट कलर में। तो आप अगर कुछ जरूरी नोट करना चाहते हो तो मेरे पास एक ट्रिक है, ये देखो ये है आपके लिए एक ड्रीम स्पेस की तरफ से आने वाला चीटिंग पेंच, बहुत ही तगड़ा है। और यहाँ पर एक टॉर्च लाइट दे रखी है जो एक यूवी लाइट होती है, ये देखो। अब इसका काम क्या है अब वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखने वाले हैं होमवर्क। यार पता ही नहीं चला कि लिखा भी है नहीं लिखा है ना, और यहाँ पे लिख देते हैं फनवास भैया, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि यार यहाँ पर तो कुछ भैया ने क्या लिखा हुआ तो दिख ही नहीं रहा। पता है ये मेरा सीक्रेट है, जब मैं अपने एग्जाम देने जाता था ना तो मैं इसी को ले जाता था, और मेरी मैडम को बिल्कुल नहीं पता लगता था, लेकिन मैं ऐसा करता था, आप मत करना। तो अब मैं ना लाइट्स को ऑफ करने वाला हूं, और उसके बाद मैं दिखाने वाला हूं कि यहां पर एक्चुअल में क्या मैजिक हुआ है। तो लाइट्स को करते हैं ऑफ, ये कर दिया हमने अपनी यूवी लाइट ऑन, और ये देखो यहीं पर मारते हैं हमने सिग्नेचर, ये देखो होमवर्क का कैसे लिख दिया हमने, और ये रहा हमारा फनवास का सिग्नेचर। तो यार हम तो भाई स्कूल में ऐसी हरकतें करते थे। अब भाई फटाफट से जो है लाइट्स को करते हैं ऑन, यार ये सचमुच में बहुत ही ज्यादा क्रेजी है। सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव है ये वाली जंबो ज्योमेट्री बॉक्स, और ये मेटल की तो ये और भी तगड़ी लगती है, मतलब यार कुछ भी नहीं पता चल रहा कहां गया। तो गाइज ये बहुत ही ज्यादा तगड़ी है, देखो छिक 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 छिक, ये ट्रेन है एक बहुत ही अच्छी, इसमें सीढ़ी बनी हुई है, आइसक्रीम बनी हुई है, बादल बने हुए हैं, हेलो किट्टीज बनी हुई हैं, और यहाँ पर भी एक हेलो किट्टी की क्यूट सी बेबी बनी हुई है, उसी कैट बनी हुई है, और यहाँ पर 1, 2, 3 वाले झीने दे रखे हैं। तो अगर आप लोगों को ये ट्रेन वाली जंबो ज्योमेट्री बॉक्स पसंद आई है जो प्रॉपर मेटल की बनी हुई है, तो आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे वॉल लिख देना, और उसके आगे आपको लिखना है जंबो ज्योमेट्री ट्रेन वाली पेंसिल बॉक्स प्लस में एक चीटिंग पेन, ताकि ये दोनों की दोनों चीज आपको गिव अवे हो सके। तो इनको रखते हैं इनकी जगह पे। ये आगे भाई हमारे आज के दो पेन, ये वाला भाई फ्रेंच फ्राइज, ये काफी टेस्टी है, ये देखो इसमें फ्राइज बनी हुई है जो बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही है, बट एक्चुअल में ये एक पेन है जो कि जेल पेन है, और ये जो दूसरा वाला है ये भी काफी तगड़ा है, ये देखो इस तरीके से आपको हिलाना है, और इसके अंदर के जो कांच है उसके अंदर का पानी ऐसे तैरने लगता है, और इसके अंदर भाई लाल कलर की, गुलाबी कलर की, नीले कलर की और थोड़ी सी ग्रीन कलर की, ये सारी इसके अंदर आपको ग्लिटर देखने के लिए मिलती है जो काफी ज्यादा सेटिस्फाइंग लगती है, ये देखो है ना कितनी बढ़िया। तो ये चमकीली बहुत अच्छी लगती है, और ये है भाई पेपा पिग वाला पेन जो पता नहीं कहीं ऑफिस जा रहा टाइप पेन के, और ये एक्चुअल में एक है जेल पेन, ये देखो इसकी निब कितनी पैनी है। तो अगर आपको ये दोनों पेन अच्छे लगे, ग्लिटर वाला पेन और दूसरा फ्रेंच फ्राइज वाला पेन, तो अपना नाम क्या के वाव लिख देना, उसके आगे आपको लिखना है पेपा पिग एंड फ्रेंच फ्राइज पेन, ताकि ये दोनों पेन आपको गिव अवे हो सके। और अब बारी आने वाली है हमारी आरसी कार की, जूम। तो भाई ये जो है ना ये कोई नॉर्मल आरसी कार नहीं है, क्योंकि ये एक्चुअल में ब्लैक एंड रेड कलर की, और ये एक रेसिंग कार है, यानी कि इसकी स्पीड भी बहुत तेज आएगी, और अंधेरे में ना इसकी हेडलाइट भी काफी
काफी तेज चलती है और साथ ही में ये यहाँ से भाई फेंकती है स्मोक, तो ऐसा असली वाला स्मोक फेंकेगी आपको लेके भाई जो टायर नहीं घिसटते मूवी के अंदर और आग से निकलती है सेम ना ये वही वाला फील देती है, क्योंकि यहाँ पे ना एलईडी बल्ब लगे तो ये इसको जब धुआं निकलता है तो यहाँ पे ऐसा फील आया कि असली की कहीं पे आग लगी है। आप कंफ्यूज हो रहे होगे सुन के, तो मैं आपको ना लाइव डेमो दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले हम इसके अंदर थोड़ा वाटर ऐड करते हैं। इसी के बॉक्स में हमें देखने के लिए मिलती है ये बॉटल जिसके अंदर थोड़ा सा पानी डालना है और उसके बाद यहाँ पर हम थोड़ा सा वाटर ऐड कर देंगे। ये देखो बस थोड़ा सा डालना है, ज्यादा नहीं डालना, नहीं तो ये सारा जो है छलक के बाहर आ जाएगा। और कस के इसकी लिड को बंद करेंगे और यहाँ पर हमें डालनी है 3AA बैटरी 1, 2, 3 और उसके बाद हम इसको लॉक कर देंगे और यहाँ से इसको कर देंगे ऑन। और उसके बाद इसके रिमोट कंट्रोल में भी हमारी 2AA बैटरी लगेंगी 1 और 2 और उसके बाद इसको अच्छे से लॉक करने के बाद यहाँ पर ये जो आप बटन देख रहे हो ना इससे एक्चुअल में भाई स्प्रे निकलने वाला, यानी कि गाड़ी धुआं छोड़ेगी, इससे गाड़ी आगे पीछे जाएगी और इससे भाई लेफ्ट राइट जाएगी और 360 डिग्री भी स्टंट करके दिखाएगी। ये देखो है ना इसकी जो स्पीड है भाई रिवर्स गियर में भी बहुत अच्छी है और जब ये आगे भागते हैं तब भी बहुत अच्छा भागते हैं। और ये जो आप देख रहे हो इससे गाड़ी राइट में जाती है, लेफ्ट में जाती है और इस वाले बटन से दबाते ये देखो स्प्रे निकलता है। कितना ज्यादा असली लग रहा है ये। इसके सस्ते मजे नहीं लेने वाले हम, इसका लेंगे एक लाइव डेमो। तो आ जाओ मेरे साथ लाइव। चमचमाती हुई भाई रेड कलर की फैंटास्टिक फ्यूरियस वाली कार आ चुकी है और ये देखो ओ भाई साहब भाई इसकी जो डिपर वाली जो लाइट है वो काफी ज्यादा तगड़ी है और इसकी हेडलाइट के साथ साथ इसकी स्पीड भी बहुत ही ज्यादा तेज है। ये देखो ओ माइंड ब्लोइंग यार, मैं तो सोच रहा हूँ अंधेरे में कैसी लगेगी। ओए यार ये साउंड देखा अपने, इतना प्यारा साउंड है इसका और जो इसकी हेडलाइट है काफी ज्यादा ब्राइट है। और अब बारी है इसके भाई साहब रात की स्पीड की, ओ माइंड ब्लोइंग यार ये स्मोक देखो एक बार इसको ना स्लो मोशन में देखते हैं। ओ वाओ बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही है यार ये, कतई गजब है, बनाने वाले ने बॉल चीज बनाई है, सो एलिगेंट, ओ माइंड ब्लोइंग यार। ये देख रहे हो अभी तक इस गाड़ी में से धुआं निकल रहा है और ये अंधेरे में इतनी प्यारी लग रही थी भाई साहब, मैं क्या ही बताऊं यार ये ना वाकई में बहुत ही तगड़ी है। और यहाँ पे पता है थोड़ी थोड़ी ना ओस सी जम रही थी क्योंकि वो धुआं निकल रहा था ना, तो भाई इसको देख के मुझे फास्ट एंड फ्यूरियस की याद आ गई। और बोलना पड़ेगा ये जो रेसिंग कार है वाकई में काफी ज्यादा तगड़ी है और इसके जो टायर ऐसे जाते हैं तो भाई ये ना 360 डिग्री घूमती है और बहुत तेजी में गाड़ी जूं जूं करके आगे पीछे जाती है। और इसकी जो डिपर लाइट थी अंधेरे में ओए हो इतनी तगड़ी लगती है ना भाई, जलती मैं क्या बताऊं। तो अगर आप लोगों भी इस तरीके की स्मोक कार बहुत ज्यादा पसंद है जो रेसिंग कार होती है स्प्रे वाली, तो आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे वाव लिख देना, उसके आगे आपको लिखना है सो एलिगेंट सो ब्यूटीफुल वाली जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव आरसी स्प्रे कार, ताकि ये वाली आरसी स्प्रे कार आप लोगों को गिव अवे हो सके। अब इसके बाद आने वाली हमारी चमचमाती हुई रेड कलर की मेटल की डाइकास्ट कार वाली जो की है भाई आरसी स्टंट कार, ये ले लिया हमने अपने हाथ में और ये आती है भाई हैप्पी किड्स वालों की तरफ से। और यहाँ पर आप देख सकते हो रेस लिखा हुआ है, टीम लिखा हुआ है और ये जितने भी आप पार्ट देख रहे हो सारे के सारे जो है मेटल के बने हुए डाइकास्ट है, ये सारा मेटल का है। ये जो टायर है सिर्फ ये प्लास्टिक के टायर हैं और इसके अंदर आपको एक फालतू देखने के लिए मिलता है टायर, यानी कि एक्स्ट्रा अगर आपके कभी ये पंचर हो जाए तो यहाँ से एक निकाल के इसके अंदर से टायर यहाँ पे लगा सकते हो। और ये जो टायर आप देख रहे हो ये थोड़े बहुत गंदे हो रहे हैं क्योंकि इसका एक लाइव डेमो भी लिया था जो हम आपको दिखाने वाले हैं। और ये ना इतना पक्का, ये देखो इसको आजू बाजू मोड़ेंगे ना तो भाई टूटते नहीं है, इसकी आवाज से आपको पता चल गया होगा। और ये ना टायर देखो कितना ज्यादा फ्लेक्सिबल है भाई, ये राइट में लेफ्ट में बहुत ज्यादा जाता है। और ये जो आप हिस्सा देख रहे हो एक्चुअल में यहाँ पर ना एक मोटर लगी हुई है, एक मोटर यहाँ पर लगी हुई है और एक मोटर इसके नीचे, यानी तीन मोटर से चलता है, जिसके भाई सस्पेंशन वगैरह बहुत तगड़े दे रखे हैं। ये देखो एक ही बार में अंदर जाते हैं और बाहर आ जाते हैं ऑटोमेटिक, तो यानी कि ना गाड़ी टक्कर भी खाती है ना तो टूटते उठती नहीं यार, पता नहीं क्या लगी इसका ना जादू सा है। बट लेकिन ये ऑफ रोड वाली गाड़ी है ना जो 4x4 है, यानी ये पहिए अलग चलते हैं ये पहिए अलग चलते हैं, तो इसीलिए और भी ज्यादा मजा आएगा। लेकिन उससे पहले इसके अंदर हम बैटरी लगा देते हैं, तो बैटरी इसमें लगेगी हमारी कनेक्टर वाली जिसके हमें इन पिन के अंदर कुछ इस तरह लगाना होता है। और उसके बाद हम फटाफट से इसके कैप को लगाने के बाद इस गाड़ी को ऑन कर देंगे। अब ये गाड़ी ऑन हो चुकी है, ये इसका रिमोट कंट्रोल जिसमें लगानी हमें 2AA वाली बैटरी और अब आने वाला है मजा। ये देखो ये जो भाई गाड़ी इससे आगे जाती है बहुत तेजी की और यहाँ पे ना आपको रेड लाइट भी दिखती है, यानी कि गाड़ी चल रही है। और ये देखो बटन भी अगर मैं छोड़ दूंगा ना, ये देखो जैसे मैंने ये रिमोट छोड़ा तो इसके टायर उसके बावजूद भी घूमते रहते हैं क्योंकि इसकी स्पीड बहुत तेज है और इसके अंदर मोटर इतनी फास्ट है, गाड़ी आगे जाती है पीछे जाती है गोली की तरह जाती है। ये ना भाई आप लोग मजाक मानोगे लेकिन ये ना जमीन के अंदर गड्ढा कर सकती है, घास को काट सकती है। मेरे को पता है कि आप लोगों को भी यकीन नहीं हो रहा लेकिन मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ और आप देखना कि कैसे गड्ढा करते हैं। तो भाई आ जाओ मेरे साथ एक लाइव डेमो पे। हमारी आरसी स्टंट कार आ चुकी है वो भी मेटल वाली और ये प्रॉपर डाईकास्ट की बनी हुई है और ये कितनी खूबसूरत लग रही है, असली वाले मॉन्स्टर ट्रक की तरह लग रही है। लेकिन ये एक मॉन्स्टर कार है जो 4x4 वाले पहियों पे चलती है जैसे कि थार चलती है और ये देखो यार किसी भी उबड़ खाबड़ वाली जगह पे चल लेती है। इसके टायर की स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज है भाई, ये देखो गड्ढा कर दिया इसने यार यहाँ पे, कमाल यार। इसका जो टायर है उसकी ग्रिप वगैरह भी बहुत अच्छी है, पंचर नहीं जल्दी से होता और ये देखो कांटे वगैरह पे चल रही है, घास वगैरह पे चल रही है। अब हम इसको ना भाई रोड पे चलाने वाले और इसका जो लुक है यार ओए होए एकदम असली वाली मॉन्स्टर कार जैसा आता है। और इसके जो शॉकर है भाई ये देखो बजरी पे ये कैसे ऑडिटेडी होकर चल रही है, लेकिन इसके शॉकर इतने बढ़िया है ना कि अंदर बाहर जो होते हैं
उसकी वजह से ये गाड़ी इतने अच्छे तरीके से सस्पेंस कर पाती है कि भाई आगे पीछे कहीं भी दाएं बाएं जा सकती है। और ये देखो भाई ब्रेकर में से कितनी प्यारी लग रही थी ना जब उतरी थी, एक बार और देखो। वाह यार सचमुच में इस पे ना आपका दिल ही आ जाएगा यार, इतनी गजब है ने, सो एलिगेंट। वाह यार ये गाड़ी सच में जो बहुत ही ज्यादा तगड़ी है यार, और इसकी जो स्पीड है वो तो भाई साहब इंसेन है। और वो तो कुछ ही नहीं, इसकी सबसे अच्छी चीज मुझे क्या लगती है कि भाई ये ना कांटे पे, पत्थर पे, रोड़ी में, बजरी में, रेत में कहीं भी चल लेती है। और जो इसको रोड पे रखा ना, इतनी असली लग रही थी और बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी। और एक्चुअल में भाई ये हकीकत में भाई थार से भी ज्यादा तगड़ी लगी मुझे, क्योंकि ये 4x4 होने की वजह से ना एकदम ऑफ रोड करती है। और ये देखो इतनी छोटी हो जाती है क्योंकि इसकी जो सोकर है वो बिल्कुल अंदर तक चले जाते हैं, भाई ये गाड़ी टूटती उठती भी नहीं है। तो मेरे को तो सचमुच में मेरा दिल आ गया इसमें, और ये सही में ये काफी तगड़ी और ये भी सो एलिगेंट सो ब्यूटीफुल वाली गाड़ी निकली। अगर आप लोगों को भी इस तरीके की आरसी स्टंट कार पसंद है जो भाई साहब इतने तगड़े तगड़े करतब दिखाते हैं, स्टंट करके दिखाते हैं, ब्रेकर से कूद जाएगी, गड्ढा कर देती है, तो आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे वाव लिख देना, और उसके आगे आपको लिखना है कि डाईकास्ट वाली आरसी स्टंट कार, क्योंकि ये मेटल की है तो ये और भी ज्यादा पक्की है, इस पे पत्थर वगैरह रखे भी आराम से चला सकते हो आप लोग। तो रखते हैं इसको इसकी जगह पे। ये ले लिया हमने अपने हाथ में भाई एवेंजर्स की तरफ से आने वाली द इनक्रेडिबल हल्क की वॉच, लेकिन भाई हमें इंस्ट्रक्शन की कोई जरूरत नहीं क्योंकि इसको हम खुद ही पहन के देखने वाले हैं। जिन भी लोगों को भाई साहब चैन वाली वॉच बहुत ही ज्यादा पसंद है तो आज उनके लिए चैन वाली वॉच आई है। ये देख सकते हो पर्पल कलर जो उसके निक्कर का कलर है, और ग्रीन कलर जो भाई हल्क की ड्रेस का कलर है, और ये डार्क ग्रीन, और ये जो डार्क वाला ग्रीन है ये उसकी बॉडी का कलर है, हल्क स्मैश। और ये ना घड़ी पता साउंड करती है, ये देखो, ये आप अगर इसका डायल घुमाओगे ना इस तरीके से गटर गटर करके, फायरे इतना प्यारा साउंड आता है इसमें से, मतलब क्या ही बताऊं। और इसको ना बड़े आराम से इस तरीके से पहन सकते हो, किसी भी शादी में या किसी भी फंक्शन में आपको जाना है तो भाई बड़े आराम से जा सकते हो। ये देखो भाई लुक भी कितना प्यारा आ रहा है, एकदम असली वाली चैन वाली घड़ी लग रही है। और जब किसी भी शादी में जाओगे या पार्टी में जाओगे तो सब पूछने वाले हैं कि भाई ये वॉच तो बहुत अच्छी लग रही है, हल्के कहां से लाया, तो भाई बता देना कि ये जो फन बात भैया ने मुझे गिव अवे करी थी, और ये बहुत ही ज्यादा तगड़ी है। और इसका एक बार आपको लॉक भी बताया था, ये देखो ये जो लॉक है आपको इस तरीके से लगाना और ऐसे कस देना, तो ये जो भाई घड़ी आपकी कहीं भी नहीं हिलने वाली, और ये इस तरीके से लॉक लग जाता है। जब इसका लॉक खोलना हो तो ये जो चटकनी सी है इसके अंदर थोड़ा सा नेल्स डालना और ऐसे करके खोल देना, यानी कितनी तगड़ी। अगर आप लोगों को भी ये हल्क वाली वॉच पसंद आई जो चैन में है, तो आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे वॉल लिख देना, उसके आगे आपको लिखना है चैन वाली हल्क की वॉच, ताकि ये वाली वॉच आपको गिव अवे हो सके। तो इसको रखते हैं इसकी जगह पे। अब हम देखने वाले हमारा एक ऐसा डोरेमोन जिसकी की भाई ये जो ना टायर ऐसे घूमते हैं कि आपने इसको देख के हिप्नोटाइज हो जाओगे। ये क्यूट टॉय वालों की तरफ से आता है, जो फन प्रेशर वाले हैं, फन प्रेशर इसलिए क्योंकि आप अगर यहाँ देखोगे तो यहाँ पर एक फिंगर दिखा रखी है कि इसको जो है इस तरीके से दबाना होता है, और फिर ये डोरेमोन की एक्टिवा भाई प्रॉपर तैयार हो जाते हैं चलने के लिए। ये देखो जैसी छोड़ते तो इतनी गोली की तरह भागते ना, ऐसा लगता है कोई स्पिनर चल रहा है। तो इसका तो एक लाइफ डेमो बनता है। और सबसे अच्छी चीज क्या है कि भाई ये ना लेफ्ट में भी देख के चला सकता है, पीछे भी देख के चला सकता है, यानी कि पूरी 360 डिग्री में अपनी नेक को घुमा सकता है। ये बड़ा ही भाई नॉटी है। तो भाई डोरेमोन का गैजेट है जो किसी ने अपने पॉकेट में से निकाला। तो भाई आ जाओ एनीवेयर स्कूटी देखने। तो भाई साहब डोरेमोन की खुद की पर्सनल वाली एक्टिवा आ गई है, यानी कि इसकी स्कूटी, और ये इसका स्कूटर बहुत ही ज्यादा क्यूट है। ओए भाई कितना क्यूट लग रहा है ये, भाई बहुत ही ज्यादा कूल है यार ये तो। ओए भाई ये तो सवारी लेके निकल गया, माइंड ब्लोइंग यार। ये जो स्कूटी है काफी ज्यादा क्यूट है, और ये देखो हमारा डोरेमोन भी भाई किसी से कम थोड़ी है। तो मुझको तो ये वाले डोरेमोन का स्कूटर बहुत ही ज्यादा पसंद आया। अगर आप लोगों को भी इस तरीके की क्यूट टॉय बहुत ज्यादा पसंद है, और डोरेमोन भी आपको बहुत पसंद है जैसे कि हमको पसंद है, तो आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे वॉल लिख देना, और उसके आगे आपको लिखना है डोरेमोन स्कूटर, ताकि डोरेमोन का स्कूटर आपको गिव अवे हो सके। तो इसको रखते हैं इसकी जगह पे। तो ये आ गया हमारे हाथ में आज की हमारी वाटर गेम, जो कि भाई आई एम ग्रूट। ये वाटर गेम काफी तगड़ी क्योंकि इसके अंदर HD में आपको मिलता है भाई देखने के लिए ग्रूट, और प्लस में ये एक 3D गेम है। यहाँ पर आपको वाटर निकालने के लिए इसके नीचे एक स्टिकर दे रखा है, ताकि आप उस रबड़ को निकाल के आप वापस से पानी भी भर सको अगर आपको कभी लगे कि ये कम है। और अब हमारा शुरू होने वाला 5 सेकंड चैलेंज शुरू। तो 1 2 3 एंड गो, 1 2 3 4 और ये 5। भाई एक भी नहीं आया इसके अंदर हमारा। ये तो हमारा मोए 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 भाई, हमारा 2 बार मोए मोए हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप लोगों को ये लगता है कि आप 5 सेकंड के अंदर अंदर इन दोनों में से किसी में भी एक छल्ला डाल सकते हो, यानी कि एक रिंग डालनी है आपको 5 सेकंड के अंदर अंदर, तो आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे वॉल लिख देना, और उसके आगे आपको लिखना है ग्रूट वाटर गेम चैलेंज एक्सेप्टेड, ताकि ये वाली गेम आपको गिव अवे हो सके। तो इसको रखते हैं इसकी जगह पे। ये आ चुके हमारे हाथ में ऑयल पेस्टल्स कलर, और आप लोगों की डिमांड पे हर बार 6 आते थे, कभी 12 कभी 18 कभी 24, इस बार आपके लिए एक जंबो पैक लेके आए जिसमें आप देख सकते हो कि 25 ऑयल पेस्टल कलर है, और ये सारे के सारे भाई वॉशेबल
भी है, यानी कि आप इसको अपने हाथ को बाद में आराम से धो लेना, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। ये सेलो की तरफ से आता है जो कि कलर अप है। और एक चीज देख सकते हो भाई, ये कितना ज्यादा HD और 3D है, यानी कि आपको ये 4K वाली फील देता है प्लस में। एक तो ये जो है आता भी बहुत ही ज्यादा महंगा, ये आप देख सकते हो कि ये इतने रुपीज का आता है, जबकि 6 ऑयल पेस्टल कलर लेने जाओगे तो आपको सिर्फ 5 रुपीज में या 10 रुपीज में मिल जाते हैं। लेकिन इसकी जो सबसे अच्छी चीज में लगती है ये कि भाई इसके अंदर में एक ट्रे मिलती है। देखो कितनी जंबो है यार, खत्म ही नहीं हो रही, माइंड ब्लोइंग यार। तो भाई साहब देख सकते हो, अबे यार एक नीचे गिर गया, चलो कोई बात नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, भाई अपने आप काउंटिंग कर लेना, बहुत सारे हैं, मुझे नहीं पता। और वो नीचे नहीं गिरा था, ये इधर की तरफ आ गया था उठ के। तो ये आप देख सकते हो इसके अंदर ग्रीन कलर, देखो 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि इसके अंदर ना हर कलर ना 5-5 बार 4-4 बार कम से कम दे रखे हैं, ताकि ये टोटल कलर 25 हो सके। और ये काफी ज्यादा तगड़े है। अगर आप लोगों को भाई ड्राइंग करना, आर्ट वगैरह करना, आर्ट एंड क्राफ्ट करना अच्छा लगता है, तो ये आपके लिए काफी तगड़ा होने वाला है। तो आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे वॉल लिख देना, और उसके आगे आपको लिखना 25 ऑयल पेस्टल कलर, ताकि ये कलर आपकी तरफ से आने वाले 25 ऑयल पेस्टल कलर आपको गिव अवे हो सके। तो इसको रखते हैं इसकी जगह पे। तो ये ले लिया भाई हमने अपने हाथ में नाजा कोबरा, यानी कि किंग कोबरा, वो भी एक 4K यानी कि 3D वाला। और ये ना एक इंफ्रारेड सेंसर के आता है, यानी कि इसका जो रिमोट कंट्रोल है, एक तो वो भी भाई अंडाकार शेप में, जैसे कि भाई सांप का बिल्कुल अंडा होता, सेम उसी आकार का इसका रिमोट कंट्रोल है। और ये USB वाला, यानी कि इसे चार्ज करो और उसके बाद चलाओ, यानी कि इसके अंदर कोई तार वार नहीं है, वायरलेस चला सकते हो। इसके बॉक्स पे देखोगे ना तो ये 3D इन्होंने आईज बना रखी है स्नेक की। तो भाई सबसे पहले हम इसको करते हैं, और ये देखो भाई है ना कितनी औसम चीज। और भाई ये ना आपको खुद बनाना पड़ेगा, और ये मेरे को हाथ में लेने में भी डर लग रहा है। भाई मुझे पता है जो लोग थोड़े नॉटी बच्चे हैं ना, वो क्या करने वाले, वो घर में प्रैंक करने वाले हैं। तो यार देखो इसको जब ये आपको गिव अवे होगा, तो भाई किसी के साथ ना प्रैंक वगैरह मत करना, नहीं तो कोई भी डर जाएगा बड़े आराम से। तो फटाफट से मैं इसको असेंबल कर देता हूं। ये जो आप डॉट देख रहे हो, ये एक्चुअल में इस होल में अटकाना है इस तरह। अब ये देख रहे हो आप, ये प्रॉपर एक पूरा बनने वाला है। तो ये देखो यार, ये हमारा स्नेक तैयार हो गया है, और ये काफी तगड़ा लग रहा है भाई। इसने तो भाई किसी को डस दिया। तो यार इसे प्रैंक वगैरह मत करना, क्योंकि ये ना काफी ज्यादा तगड़ा और बहुत सॉलिड है। और इसका साइज भी कितना बड़ा है यार, ये देखो आपके पूरे हाथ पे समा जाएगा ये। तो भाई इसके फटाफट से रिमोट कंट्रोल के साथ हम करने वाले हैं थोड़ी सी शरारत, तो आ जाओ मेरे साथ एक लाइव डेमो पे। तो RC स्नेक हमारा तैयार, और ये देखो भाई किंग कोबरा हमारा यार कितना लंबा है यार, ये देखो तो सही। ओए इसकी भाई साहब, इसके अंदर की लाल लाइट देख रहे हो, इसकी जीप पता भी अंदर बाहर भी होगी। और ये देखो भाई साहब, ये कर दे हमने स्टार्ट। ओए भाई साहब असली लग रहा है यार ये। ओ भाई ये देखो 360 डिग्री भी घूम रहा है, और भाई साहब क्या बोला है, मैं घूम रहा है। ओ माय गॉड भाई रे, कतई जहर। ओ यार ये तो प्रैंक करने के लिए भाई मजा आ जाएगा, माइंड ब्लोइंग यार। भाई ये सांप है बहुत ही ज्यादा अच्छा, और ये एक्चुअल में ऐसे बैठ भी सकता है। तो भाई इसके साथ में सबसे पहली चीज मैं आपको बता रहा हूँ दोबारा से कि भाई किसी के साथ प्रैंक मत करना, नहीं तो वो डर जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा असली लगता है चलता हुआ। और ये ना यहाँ से चलता है, ये देखो ये इसके यहाँ पर एक व्हील दे रखे भाई, 2 छोटे छोटे टायर है, और इसके नीचे जो देखोगे तो यहाँ पर और भी ज्यादा टायर है, 2 ये रे 2 ये रे 2 ये रे 2 ये रे, यानी टोटल इसके अंदर 14-15 टायर दे रखे, जो कि भाई नीचे वाले तो बिल्कुल नहीं दिखते, और जिसके दम पे इस तरीके से लहराता है बहुत प्यार से। और यहाँ पर हमें मिलता है इसका चार्जिंग स्लॉट, और इसी के बॉक्स में हमें मिलती है USB वाली केबल। इसको अपने घर के किसी भी चार्जर में लगा देना, और उसके बाद इस वाली पिन को यहाँ पर इस तरीके से लगा देना, और उसके बाद ये आपका जो स्नेक है पूरा चार्ज हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर ऑन ऑफ का बटन है, इसको ऑन करके आराम से यूज कर सकते हो। और इसके माउथ के अंदर भाई रेड कलर की लाइट जो जलती है ना अंधेरे में, ये बहुत ज्यादा डरावनी लग रही थी। ये देख सकते हो भाई मेरी फिंगर पे जो है ना इसकी लाइट की शैडो पड़ रही है भाई, ये बहुत ही ज्यादा असली और ये रियलिस्टिक लगता है। तो भाई मेरे को तो ये वाला RC स्नेक बहुत पसंद आया, जो किंग कोबरा वाला। अगर आप लोगों को भी पसंद आया हो, जिसके साथ हमें इस तरीके का एक रिमोट कंट्रोल मिलता है। और इसका एक फंक्शन और बता दूं कि अगर आपको इसको ऑटोमेटिक चलाना है तो A पे ही रखना, बाकी B पर और C पे आप इसको अपने मैनुअली सेट कर सकते हो, ये राइट लेफ्ट के लिए। और ये वाला जो बटन देख रहे हो जिसपे सांप बना है, ये भाई एक्चुअल में ऑटोमेटिक का बटन है, कि अगर आपने इसको दबा दिया तो सांप ऑटोमेटिक राइट लेफ्ट में जाता रहेगा। और यहाँ पर भाई जो आप पेच देख रहे हो, इसके अंदर आपके लगते 3 छोटे वाले सेल, जो छोटी बैटरीज होती है ना, जो हमारी वॉच में लगती है, वो वाली वॉच, अभी हेलो किट्टी वाली भी अभी आपको दिखाने वाले हैं। तो अगर आपको भी ये RC स्नेक पसंद आया किंग कोबरा वाला, तो आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे वॉल लिख देना, और उसके आगे आपको लिखना RC स्नेक, ताकि ये रिमोट कंट्रोल वाला RC स्नेक आपको गिव अवे हो सके। तो इसको रखते हैं इसकी जगह पे। तो ये आगे भाई हमारी 2 इरेजर, एक है भाई कुकीज जिसको आप बिस्किट समझ के खा सकते हो, और इससे इरेज कर सकते हो। और पता है ये ना खुल भी जाती है, देखो मतलब इसके नीचे की जो क्रीम है वो भी आप इसको हटा के देख सकते हो असली वाले बिस्किट की तरह। और दूसरा भाई ये हमारा टॉइंग टॉइंग पिशुम पिशुम वाला आयरन मैन का इरेजर, इससे आप पीछे से भाई इरेज कर सकते हो अपनी स्पेलिंग को। और दूसरी चीज क्या है कि आप इसको इस तरीके से घुमा के टशन मार सकते हो स्टाइल दिखाना। और तीसरी चीज कि ये एक कीचेन है,
ये वाला जो आयरन मैन है ये काफी ज्यादा डिस्को डांसर वाला है, क्योंकि ये एक इरेजर है तो भाई बहुत ही ज्यादा लचीला भी है। तो अगर आपको ये वाली इरेजर वाली किचन पसंद है आयरन मैन की, और अगर आपको ये वाली इरेजर पसंद है बिस्किट वाली, तो आपको लिखना अपना नाम उसके आगे वॉलिक दिन, और उसके आगे आपको लिखना है आयरन मैन एंड बिस्किट वाली इरेजर, ताकि ये दोनों इरेजर आपको गिव अवे हो सके। तीसरी जो चीज है ये भाई हमारी एक छोटी नहीं बल्कि बड़ी टॉर्च है, इसके अंदर हमारी 3 बैटरी लगती है, और सेम यही वाली बैटरी जो भाई इस वाले रिमोट कंट्रोल में लगती है आरसी स्नेक वाले में। और ये जो है भाई आप इसको ना इस तरीके से लुप्पी को अपने पर्स में टांग सकते हो या अपनी बेल्ट में टांग सकते हो, और इस तरीके से ऐसे ऐसे इसको घुमा के आराम से लेके जा सकते हो। और अगर आपको भाई बाथरूम करने में डर लगता है तो इसको लेके चले जाना हाथ में और इस तरीके से जलाना। ये देखो भाई कितना ज्यादा तगड़ा चांदना निकलता है इसमें से, तो इसकी जो रोशनी है ना वो भी काफी ज्यादा तेज है, मेरी तो आंख में लग रही है यार, बंद करो इसको। तो अगर आप लोगों को भाई रात में सूसू करने से डर लगता है तो ये आपके लिए बहुत तगड़ी होने वाली, क्योंकि आप इसको अपनी ऊपर की पॉकेट में भी रख सकते हो, आप इसको अपनी नीचे जींस वाली पॉकेट में भी रख सकते हो। और अगर आपको भाई मिनी पॉकेट वाली टॉर्च पसंद है तो आपको लिखना अपना नाम उसके आगे वॉलिक देना, उसके आगे आपको लिखना मिनी टॉर्च, ताकि ये वाली टॉर्च आपको गिव अवे हो सके, और इसके अंदर एलईडी भी है, तो ये और भी तगड़ी होने वाली है। तो अब इसके बाद हम देखने वाले हमारा एक आरसी हेलीकॉप्टर जो भाई बहुत ही ज्यादा तगड़ा है। ये देख सकते हो यहाँ पर इसका ऑन ऑफ का बटन है जो इधर है, वो गलती से ऊपर बता दिया। ये देखो यहाँ पर इसकी ना एलईडी लाइट भी जलती है, ताकि अगर ये रात में उड़े, ओए भाई भाई साहब मैं तो डर गया एकदम से, ये अचानक से स्टार्ट हो गया ना यार, इसको बंद करो ठीक है भाई, इसका भी जब लाइव डेमो देऊंगा तब देख लेना। ये बहुत तेज ही पंखुड़ी घूमती है, दिखने में छोटा सा ये, बट ये पीछे की जो टिप देख रहे हो ये मेटल की, और ये ऊपर भी मेटल का है, तो इसलिए ना भाई डर लगता है कि इससे उंगली उंगली ना कट जाए इससे, तो इसका एक लाइव डेमो तो बनता है। तो आज भाई एक लाइव डेमो पे, ओ भाई रे कमाल हो गया यार, ये देखो यार क्या लग रहा है यार, और ये पता मेरे इशारे से भी चल रहा है, मतलब इसलिए जैसे इसको पता लगता ना कि मेरे हाथ के कॉन्टेक्ट में आ रहा है ऑटोमेटिक भाई से ऊपर चला जाता है, और इसकी हवा ना भाई साहब लिटरली मेरे हाथों को है ना महसूस हो रही है इसकी हवा। ओए देखो भाई छत में कैसे गोल गोल घूम रहे, और मैंने पता लाइट ऑफ कर रखी तो ये पता छत में लगा हुआ है ये, और ये देखो कैसे टिमटिमा रही है इसकी लाइट, मतलब भाई अंधेरे में भी ना इसे चला सकते हो। अरे भाई बवाल, ओ माय गॉड भाई ये बहुत ही तगड़ा वाला आरसी हेलीकॉप्टर है, ये एक मिनी आरसी हेलीकॉप्टर है, इसको बंद करते भाई इसकी जो आवाज है वो काफी तगड़ी है और भाई ये जो पेड़ से टकरा है ना दीवार से टकरा है तो ये टूटा नहीं, क्योंकि ये यहाँ पर जो है ना भाई मेटल की टिप है पूरी, इसी वजह से नहीं टूटता ये जल्दी से। और यहाँ पर इसका चार्जिंग स्लॉट भी है, ये देखो ये जो छोटी वाली जो आप टिप देख रहे हो यहाँ पर आपका ना ये वाला चार्जर भी काम कर जाएगा, क्योंकि इतना ही उसी की डंडी है और इतनी इसी के अंदर भी लगती है। तो अगर आपको इस तरीके की आरसी हेलीकॉप्टर जो बहुत पसंद है, जो भाई इतना तगड़े तरीके से आसमान में चलाता है बिल्डिंग भी पार कर जाता है, तो आपको लिखना अपना नाम उसके आगे वॉल लिख देना, और उसके आगे आपको लिखना है आरसी हेलीकॉप्टर, ताकि आपको ये वाला आरसी हेलीकॉप्टर गिव अवे हो सके, जिसके साथ एक रिमोट कंट्रोल भी मिलने वाला, ये आपके पास कोई से भी कलर में आ सकता है। तो अब आ चुका है आपके लिए एक चैलेंज, ये भाई आप देख रहे हो कि ये सोच रहे हो कि भाई ये पिरामिड जैसा जो बना हुआ है ये एक्चुअल में क्या है, तो ये एक पिरामिड्स क्यूब, जिसको भाई सॉल्व करना काफी ज्यादा कई बार मुश्किल हो जाता है, लेकिन भाई मैंने इसको कई बार सॉल्व कर रखा तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इजी है। इसके अंदर इस तरीके के पैटर्न होते हैं, और सबसे अच्छी चीज मैं आपको बताता हूं, अगर ये कभी भी आपका डिसॉल्व हो जाए ना इस तरीके से, ये कभी भी आजू बाजू चले जाए तो भाई डरना मत, मैं बताने वाला हूं क्योंकि ये सॉल्व कैसे होने वाला है। एक्चुअल में आपको करना क्या है कि आपको ना कोई भी एक टिप पकड़नी नीचे की तरफ से, और इसको आपको घुमाते हुए चलना है ठीक है। हम सबसे पहले देखेंगे कौन सा वाला मिस है, तो ये देख सकते हो आप ये मिस है, तो इसको हम सबसे पहले इस तरीके से घुमाएंगे ठीक है। उसके बाद अब हमें जो भाई ये ब्लू वाला यहाँ पर लेके आना, और ये जो येलो है ये यहाँ पर लेके आना, तो ये होगा कैसे, इस तरीके से मोड़ेंगे, और उसके बाद देखो ये इस तरीके से करा और इसको इस तरीके से घुमा दिया, तो ये देख सकते हो अब ये जो है पूरा पर बन के तैयार हो गया। तो भाई ये इतना इजी है, सिर्फ 5 सेकंड लगते हैं इसको बनाने के लिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप भी 5 सेकंड के अंदर इसको सॉल्व कर सकते हो पिरामिड्स वाले क्यूब को, तो आपको लिखना अपना नाम उसके आगे वॉल लिख देना, और उसके आगे आपको लिखना पिरामिड वाला क्यूब, ताकि ये वाला क्यूब आपको ट्रायंगल वाला गिव अवे हो सके। और सच में इसे बनाना इतना इजी नहीं है, बाकी आपको अगर लगता है तो भाई चैलेंज एक्सेप्टेड लिख देना पिरामिड क्यूब का, ताकि ये आपको गिव अवे हो जाए। तो इसको रखते हैं इसकी जगह पे। ये आगे भाई हमारे हाथ में डोरेमोन का स्लाइम, और ये देखो भाई टब के अंदर बैठ के ना ये योगा वोगा कर रहा है, और ये कितना क्यूट लग रहा है, एक तो खुद भी ब्लू कलर का और ये भी ब्लू कलर की है भाई। ये देखो भाई एक तो ये नॉन स्टिक है, देखो ये हाथ में बिल्कुल भी नहीं चिपक रही, ओ भाई इसके अंदर से सेंट वाली स्मेल आ रही है, क्या बात है यार, ये ग्लिटर वाला ऐसा लग रहा है भाई कोई सितारे इसके अंदर आके बैठ गए। वो इसको बचाना है क्या हमें, ये भाई हमें टास्क मिला, हमें इस डोरेमोन को सेव करना है, तो भाई फटाफट से इसको बचाते हैं, और जैसे ये सेव हो जाएगा तो ये देखो कितना ही तगड़ा लग रहा है भाई, तो हैप्पी लग रहा है मार को हमारे डोरेमोन। तो अगर आप लोगों को मेरी तरह स्लाइम से खेलना बहुत अच्छा लगता है, तो आपको लिखना अपना नाम उसके आगे वाव लिख देना, और उसके आगे आपको लिखना है डोरेमोन वाली स्लाइम, ताकि ये वाली स्लाइम आपको गिव अवे हो सके। तो भाई इसको इसी के अंदर बिठा देते हैं तो ये आ गया हमारे हाथ में कैप्टन अमेरिका का स्लैब बैंड, जिसको भाई आप ना स्केल भी बना सकते हो इस तरीके से, इस तरीके से आप अपनी लाइन ड्रॉ कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको इसका मन है स्लैब बैंड बनाने का, तो इस तरीके से स्लैब बैंड बनाओ, और इस तरीके से पटक के जो भाई स्लैब बैंड को अपने रिस्ट पे पहन सकते हो, कितना कूल लग रहा है, ऐसा लग रहा है कैप्टन अमेरिका में आई हूं पर मुझे पता है कि आप लोग मुझसे भी बड़े फैन हो कैप्टन अमेरिका के। अगर आप लोग को ये स्लैब बैंड पसंद आया तो आपको अपना नाम लिखना, उसके आगे वॉल लिख देना, उसके आगे आपको लिखना है कैप्टन अमेरिका का स्लैब बैंड, ताकि ये वाला स्लैब बैंड आपको गिव अवे हो सके। तो इसको रखते हैं इसकी जगह पे।
तो ये आ गई है हमारे हाथ में हमारी आज की बैटमैन वाली गन, जो कि डबल बैरल वाली गन है। इसके अंदर दो बुलेट लगती है एक साथ, और उसके बाद भाई साहब ये तबाही मचा देती है। एक तो बड़ी इतनी है ना कि आपके हाथ में भी नहीं समाने वाली, बहुत ज्यादा बड़ी है। ऊपर से देख सकते हो पूरा का पूरा इतने कलेक्शन ढक के रख रखा था हमारा, तो इसका भी एक लाइव डेमो लेने वाले हैं। और इसके बॉक्स में इस तरीके की हमें भाई बुलेट देखने के लिए मिलती है। आप चाहो तो भाई ग्रे भी यूज कर सकते हो, अगर आप चाहो तो ब्लैक भी इसके अंदर यूज कर सकते हो। और भाई ये गन देखो लोड यहाँ से होती है, इसको पकड़ो इतनी तेज की आवाज आएगी तो समझ लेना लोड हो गया। और उसके बाद ना ये दो बार चलेगा, क्योंकि यहाँ पर दो बुलेट लगते हैं ना, तो आप एक ही बार लोड करके और दो बार इसको चला सकते हो। देखो कैसे, जैसे कि मैंने इसको यहाँ से दबाया है ना, अभी साउंड आया ना, अब एक बार और आएगा ये देखा। तो ना ये एक बार लोड करोगे और दो बार चलेगी, पहले यहाँ से चलेगी फिर ये यहाँ से चलेगी, और ऐसा लग रहा है कि भाई ये किसी कार्टून की नोज हो। तो इसको देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला था भाई, आज हम मेरे साथ एक लाइव डेमो पे। तो हल्क ने ले लिया है पंगा बैटमैन से, तो हमने इसको कप के महल पर बिठा दिया और हम अपनी गन लोड करने वाले और हल्क को उड़ाने वाले हैं। ओ भाई क्या साउंड है, ओ यार बच कैसे गया, एक और मारेंगे। क्या बात है भाई साहब, इसकी तो हमने टाई टाई फिश कर दी, अब हम इसको जो है ना अपनी दीवार पर चिपकाने वाले हैं। ये देखो, ओ वाओ लाइक इट, माइंड ब्लोइंग यार ये गन वाक्य में, दाए दाए थाए, ये बहुत ही सॉलिड गन निकली भाई, और ये मेरे को बहुत ही ज्यादा तगड़ी लगी। और इसने तो भाई साहब बैंड बजा के रख दी, मतलब मोए 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 भाई एक ही बार में उन सब का भाई मोए मोए कर दिया, सारे के सारे बिखर गए एक ही ताने में। अगर आप लोग ऐसा लगता है ना कि आपका निशाना मुझसे भी ज्यादा अच्छा है और आप एक ही बार में सब कुछ उड़ा सकते हो, तो आपको लिखना अपना नाम, अपने नाम के आगे वॉल लिख देना, और उसके आगे आपको लिखना बैटमैन वाली डबल बैरल की गन या फिर बैटमैन गन, ताकि ये वाली बैटमैन की गन आप लोगों को गिव अवे हो सके। तो इसको रखते हैं इसकी जगह पे। ये ले ली हमने अपने हाथ में एक पॉप स्टेशन की तरफ से आने वाली गेम, और ये गेम भाई उन्हीं लोगों को ज्यादा पसंद आने वाली है जिनको ये कार रेसिंग गेम ब्रिक गेम्स वगैरह बनानी अच्छे तरीके से आती है। और ये भाई कोई सस्ती वाली नहीं है, ये आप देख सकते हो ये काफी ज्यादा महंगी आती है, और वो उसका महंगा होने का रीजन ये क्योंकि ये भाई प्रॉपर इंडिया में बनी है, क्योंकि मेड इन इंडिया वाली है, जिसके अंदर हमारी डबल ए वाली बैटरी लगती है। ये देखो भाई ये पॉप स्टेशन वाली है, इसको पता आप चाहो ना तो भाई चाबी का छल्ला बना सकते, जैसे आयरन मैन है, अगर इसको मैं यहाँ टांग दूंगा ना तो ये चाबी का छल्ला बन के इस तरीके से घूम सकते हैं, मतलब कभी भी हमारा गेम पीरियड हो या लंच हो तो हम इसको आराम से निकाल के खेल सकते हैं। लेकिन उसके लिए भाई आपको लगेंगी इसके अंदर दो डबल बैटरी कुछ इस तरह से, और भाई इसका जो साउंड है वो यहाँ से आने वाला, तो इसको ऑन करते हैं। और यहाँ पर जो है साउंड को ऑफ कर दिया हमने बटन दबा के, अगर आप चाहो तो बटन दबा के साउंड को ऑन कर सकते हो। यहाँ से आप अपनी गेम वगैरह चूज कर सकते हो, देखो है ना, तो मतलब आपको ब्रिक गेम खेलनी है, कार रेसिंग गेम खेलनी है, कुछ भी आपको खेलना हो तो यहाँ पर स्टार्ट का बटन दबा देना और ये स्टार्ट हो जाएगा भाई। और ये आपको ब्लॉक बनाने हैं, इस बटन को नीचे दबा के रखोगे तो इस तरीके से स्पीड आती है, और इससे भाई राइट में लेफ्ट में किसी भी जगह पे गेम बड़ी आराम से चली जाती है। और भाई ये क्या भाई, मेरी तो गेम ही ओवर हो गई, मेरी गेम ही ओवर हो गई, कमाल है यार। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि ये वाली गेम आपको मेरे से ज्यादा अच्छे से खेलने आती है, तो आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे वॉल लिख देना, और उसके आगे आपको लिखना ब्लू कलर की पॉप स्टेशन वाली गेम, क्योंकि ये बहुत तगड़ी है भाई, और एक तो मोटी भी बहुत है, तो आपकी ये जल्दी टूटेगी भी नहीं और बहुत लंबी चलने वाली है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि काफी महंगी आती है। और ये जो इसकी डिस्प्ले भाई ये भी काफी तगड़ी है, क्योंकि ये भाई 2 इंच की डिस्प्ले, आप देख सकते हो कितनी तगड़ी है। तो आप अपना नाम लिखना, उसके आगे वॉल लिख देना, ताकि ये आपको गिव अवे हो सके। तो इसको रखते हैं इसकी जगह पे। तो ये आ गया भाई हमारे हाथ में एक स्पिनर और एक हमारा पॉपेट। तो ये जो भाई स्पिनर है ये देखो ये कुछ इस तरीके से लॉक होता है, और उसका जैसे हम इसको बटन को दबाते तो इसके अंदर एलईडी लाइट्स वगैरह जलती है काफी तगड़ी वाली। तो भाई इसका जो साउंड है पहले वो सुनो भाई साहब, बहुत ही क्रेजी है यार। आज इसका एक लाइव डेमो पे एलईडी स्पिनर को शुरू करने वाले हैं। भाई लट्टू हो गया, नाचने लग गया, शक्ति शक शक शक्तिमान भाई साहब, लाइट्स ऑफ करने के बाद अंधेरे में तो इतना जगमगा रहा ना भाई, सच में भाई डिस्को वाली पार्टी करने का मजा कर रहा है कि चौमिन और मोमोज ले और अपने फ्रेंड के साथ भाई डांस करना शुरू कर दो। और ये देखो भाई साहब क्या स्पिन करता है यार ये लट्टू, गजब, माइंड ब्लोइंग यार। ये बहुत ही ज्यादा तगड़ी और ये काफी ज्यादा इनसेन है। इसके यहाँ पर ना एक नॉक दे रखी है, इसको यहाँ पर टॉप पे लगाना होता है और ये लॉक हो जाता है। उसके बाद ना ये जैसे नीचे की तरफ जाता है तो पता है लाइट क्यों जल रही थी, क्योंकि ना ये अंदर जाता है तो भाई वो तार टच होता है, जिसकी वजह से यहाँ से ना हमें एक रेड कलर की लाइट दिखती है जो काफी ज्यादा तगड़ी। जब ये उल्टा घूम रहा था ना तो ऐसा लग रहा है शक्ति शक शक्तिमान, इसका शक्तिमान बना दिया हमने। तो मुझको तो ये वाला छोटा सा मिनी पॉकेट वाला स्पिनर बहुत ज्यादा पसंद आया। अगर आपको भी ये वाला लट्टू पसंद आया जो एलईडी लाइट वाला लट्टू है, तो आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे वॉल लिख देना, और उसके आगे आपको लिखना पॉकेट वाला मिनी लट्टू, ताकि ये एलईडी लाइट वाला लट्टू आपको गिव अवे हो सके। तो इसको रखते हैं इसकी जगह पे। और उसके बाद अब हम देखने वाले हमारी एक भाई टी शर्ट, यानी कि एक कमीज की तरह दिखने वाले येलो व्हाइट और पिंक कलर में आने वाला पॉपेट वाला छल्ला, जिसकी आवाज बहुत तगड़ी आने वाली है।
भाई साहब ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। अगर आपको भी इस तरीके की किचन बहुत पसंद है जिनको आप अपने बैग में टांग सकते हो और इसके बाद ऐसे जिप खोलोगे बैग की तो सब पूछने वाले कि भाई ये कौन सी शर्ट है, तो बताना कि ये एक पॉपेट है जो कि काफी ज्यादा तगड़ा और ये बहुत छोटा भी है, कितना प्यारा लग रहा है। तो अगर आपको ये वाला किचन पसंद आया तो आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे वॉलिक देना, उसके आगे आपको लिखना टी शर्ट वाला पॉपेट किचन, ताकि ये किचन आपको गिव अवे हो सके। ये आ गया हमारे हाथ में हमारी भाई थार 4x4 वाली, और ये ऑफ रोडिंग के लिए बहुत ज्यादा जानी जाती है, जो बहुत ही ज्यादा असली है। इसके अगर चारों टायर में से कभी कोई टायर खराब हो जाता है तो यहाँ पर एक स्टेप नहीं दिए पेचकस से, इसको खोल के यहाँ से टायर निकाल के यहाँ लगा सकते हो। और इसके जो गेट वगैरह ना, इसकी डिटेलिंग देखो, शीशा वगैरह भी इतना अच्छा इन्होंने डिटेल में बना रखा है। आगे का जो मड गार्ड वगैरह ये भी बहुत अच्छे से बना रखे इन्होंने, और ये एक प्रॉपर मेटल की डाईकास्ट बनी हुई कार जिसके अंदर आपको कांच देखने के लिए मिलता है, और पीछे से ये प्रॉपर खुली हुई है जैसे असली वाली थार खुली रहती है। इसके अंदर हम सारे बैठ के जंगल सफारी पे जाने वाले, तो भाई इसका एक तो साउंड भी बहुत ही प्यारा है। तो भाई मेरे साथ आ जाओ एक लाइव डेमो पे, क्योंकि इसका एक लाइव डेमो तो बनता है। ये आ चुकी हमारी ब्रांड न्यू 4x4 वाली थार, और ये ग्रीन कलर में बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही है। और ये देखो भाई इतनी असली लगती है ना, मतलब क्या ही बताऊं। और ये डोर खुलने के बाद भाई साहब मतलब दिल जीत लेती है किसी का, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। और वाकई में बहुत ही ज्यादा तेज चलती है, अगर घर में ज्यादा थोड़ी जगह हो ना मजा आ जाए। माइंड ब्लोइंग यार। इसका टायर देख रहा हूँ अभी भी नहीं रुक रहा, क्योंकि इसके टायर के अंदर एकदम स्पिनर की तरह गोली की तरह वाली स्पीड आती है, और ये ज़ूम पीप पीप करके आपके पास आती है। और ये नीचे रखने पे ऐसा लग रहा है कितनी ज्यादा असली गाड़ी है, जैसे कि हमने शोरूम से नहीं खरीदी हो, लेकिन इसको जैसे हम हाथ से ऐसे करके उठाते हैं तब पता चलता है यार ये तो छोटी सी डाईकास्ट कार है मेटल की। लेकिन भाई मेटल की कार जो होती है ना डाईकास्ट वाली, इनकी ये तो खासियत है कि ये एकदम दिखती असली की तरह है। ऐसा नहीं है कि कोई सिटी टॉयज की तरह एकदम बेकार से दिखे, यहाँ जैसे सिटी टॉयज होते हैं थोड़े नकली से लगते हैं, ये बिल्कुल असली लगने वाली है। क्योंकि डिटेल वगैरह देखोगे ना, पेट्रोल की टंकी से लेके स्टीयरिंग व्हील तक, एसी तक, लेदर वाली सीट तक, तो सब कुछ इन्होंने असली वाले डिजाइन कर रखा। अगर आप लोगों को भी इस तरीके की मेटल की गाड़ियां पसंद है तो आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे वॉल लिख देना, उसके आगे आपको लिखना आरसी थार, ताकि ये वाली मेटल की थार आपको गिव अवे हो सके। तो इसको रखते हैं इसकी जगह पे। ये आ गया भाई हमारी रेव 89 वाला मॉडल, और ये फॉर्मूला 1 वाला कार है। लेकिन इसकी एक बात बताने वाला हूं कि भाई ये कोई मेटल की कार नहीं है, ना ये कोई डाईकास्ट है, ये एक्चुअल में है भाई एक प्लास्टिक वाली गाड़ी, लेकिन ये ड्रैगन थीम के साथ आती है। आप उसके ऊपर स्किन देख सकते हो जैसे क्रोकोडाइल की होती है ना मगरमच्छ की, सेम वही बना रखी है। और ये भी फुल बैक के साथ आती है, यानी पीछे करो और इस तरीके से छोड़ दो तो इसके टायर भी गोली की तरह भागते हैं। लेकिन भाई फर्श पे जगह बहुत ज्यादा होनी चाहिए, तभी ये गोली की तरह आपको जाती हुई दिखेगी, ज़ूम ज़ूम पीप पीप। तो अगर आप लोगों को इस तरीके की 89 वाली रेव मॉडल वाली कार बहुत ज्यादा पसंद है तो अपना नाम के आगे वॉल लिख देना, उसके आगे आपको लिखना है 89 वाली ग्रीन कलर की कार, ताकि ये वाली कार आपको गिव अवे हो सके, जो बहुत ही ज्यादा तगड़ी है। तो इसको रखते हैं इसकी जगह पर। अब हम देखने वाले भाई हमारी एक नहीं, दो नहीं, पांच नहीं, दस नहीं, बल्कि 11 कार, वो भी डाईकास्ट वाली जो प्रॉपर मेटल की बनी हुई है, जिसमें से एक है भाई हमारी ये पनडुब्बी जो कि पानी के अंदर चलती है, ये एक सबमरीन, और ये प्रॉपर मेटल की बनी हुई है जिसका कलर भी बहुत ही ज्यादा प्यारा है। और इसके व्हील देखोगे ना तो कितने अंदर बना रखे, इतने क्यूट लगते हैं मैं क्या बताऊं, पर ऐसा लगेगा कि ये पानी के ऊपर चल रही है, क्योंकि इसका डिजाइन ही ऐसा ना बोट की तरह। और भाई एक्चुअल में ये पनडुब्बी, अगर आपको ये पसंद है तो अपने नाम के आगे वॉल लिख देना, और उसके आगे आपको लिखना है सबमरीन वाली डाईकास्ट कार, ताकि ये वाली डाईकास्ट सबमरीन आपको मिल सके, या फिर पनडुब्बी लिख देना तब भी चलेगा। तो इसको रखते हैं इसकी जगह पे। और भाई साहब अब भरने वाली हमारी इन 10 कारों की जो प्रॉपर मेटल की है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। लेकिन अगर इसको एक एक करके उठाऊंगा तो मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा और आप लोगों का भी, तो इसलिए इसका एक लाइव डेमो पे चलते हैं। यार GTA 6 का कलेक्शन अपने पास आ चुका है, ये 10 की 10 मेटल की डाईकास्ट कार, ये बहुत ही ज्यादा क्रेजी होने वाली है। ये देखो ऐसा लग रहा है भाई कोई घर के अंदर कोई बहुत बड़ा बंगला हो, वहां पर 10 गाड़ियां पार्किंग में एक साथ खड़ी है, थार से लेके हमर से लेके सारी गाड़ी इसके अंदर होने वाली है। ये देख रहे हो लैम्बोर्गिनी वगैरह, मतलब इतनी कलरफुल गाड़ी है भाई क्या बताऊं मैं। ये मेरी पर्सनल फेवरेट है भाई, डॉज का फोर्ड मॉडल का जो है ये बहुत ही ज्यादा सुंदर। तुम लोग अपनी बताओ ये मेरे को लिख के कि तुम्हारा कौन सा फेवरेट है, मुझे तो बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है, आपको कौन सी अच्छी लगी? माइंड ब्लोइंग यार। भाई सबसे पहले ना इन 10 में से भाई जो मेरी दो फेवरेट थी वो ये थी भाई, एक तो ये वाली थार, ये देखो भाई 4x4 है ये, और इसके टायर की जो स्पीड है वो भी गोली की तरह है, और ये एक SUV कार है। और यहाँ से आप इसका बोनट वगैरह देखोगे, ग्लास वगैरह देखोगे तो कितना तगड़ा लगता है, ये ब्लैक कलर के अंदर मेटल की कार बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। और दूसरी जो मेरे को फेवरेट लगी वो ये भाई डॉज का MF मॉडल, और हो भाई साहब इसका इंजन लिटरली असली वाली गाड़ी की तरह बिल्कुल बाहर बना रखा, और ये भी पूरा मेटल का, इसकी फिनिशिंग देखो, इसका जो कांच है उसके अंदर के स्टीयरिंग व्हील वगैरह देखो, सब कुछ मेटल की फिनिशिंग में, दो सीट है बैठने के लिए, और ये भाई फ्लेम बनी हुई है इसके ऊपर, यानी कि ये एक प्रॉपर बढ़िया वाली गाड़ी हो सकती है जिसके भी आपको टार्जन की याद आने वाली। तो भाई मेरे को तो बहुत प्यारी लग रही है ये, और ये सारी की सारी हॉट व्हील्स की कार है, तो भाई ये और भी ज्यादा अच्छी लगी। लेकिन जब उनको नीचे रख के देखा जा रहा था भाई सही में मेरा मन लग रहा था ऐसा कि भाई मैं वो भी रख लूं, वो भी रख लूं। लेकिन अगर
अगर आपको इसमें से कोई सी भी गाड़ी पसंद आई या अगर आपको 10 की 10 गाड़ियां पसंद आई हैं तो लिखना आपको अपना नाम, उसके आगे वॉल लिख देना और उसके आगे आपको लिखना है 10 मेटल की डाईकास्ट कार का सेट, ताकि ये 10 की 10 कार आपकी हो सके और आपको एक गिव अवे हो सके। तो इसको रखते हैं इसकी जगह पे। ये आगे भाई हमारे हाथ में आज के हाईलाइटर, ये भाई इमोजीज बनी हुई है हर एक हाईलाइटर के ऊपर और ये एक कैरेट है यानी कि गाजर, नीली गाजर से लेकर पीली गाजर तक, हरी गाजर, गुलाबी गाजर, हर एक तरीके की गाजर है, जबकि हमने तो सिर्फ संतरी गाजर देखे जो कि ऑरेंज वाली गाजर होती है। भाई इसके ऊपर चश्मे वाली इमोजी बनी हुई है और जो कि भाई बहुत प्यारी भी लग रही है। इसको यहाँ से खोलते हैं और उसके बाद अगर आप अपना कुछ भी होमवर्क कर रहे हो या कुछ भी आपको जरूरी नोट्स पढ़ना है तो इस तरीके से भाई हाईलाइट कर देना, अगली बार जब आप वो चैप्टर खोलोगे तो आपकी नजर डायरेक्ट उसी जगह पे जाएगी। तो ये हाईलाइटर बहुत ही ज्यादा तगड़े है और इसकी भाई बॉडी वॉडी भी बहुत ज्यादा प्यारी है, तो आपके लिए ये काफी ज्यादा प्यारा रहेगा और ये किसी के भी हाथ में बड़े आराम से फिट हो सकता है। तो अगर आप लोगों को इस तरीके के फैंसी हाईलाइटर बहुत ज्यादा पसंद है तो अपना नाम लिखें, अपने नाम के आगे वॉल लिख देना और उसके आगे आपको लिखना है कैरेट वाले हाईलाइटर का सेट, ताकि ये प्रॉपर सेट जो कि इस पाउच में आता है जिसको आप बांध के भी रख सकते हो, ये आपको पूरा प्रॉपर सेट गिव अवे हो सके। तो इसको रखते हैं इसकी जगह पे। ये आ चुकी है हमारे हाथ में भाई हेलो किट्टी की तरफ से आने वाली एक एलईडी लाइट वाली वॉच और यहाँ पे लिखा है ग्लोइंग ट्राई मी, यानी कि इसका मतलब है कि रात के अंधेरे में ये उजाला करने वाली है, बहुत ही तगड़ा वाला। इसका नाम इसीलिए ग्लोइंग वॉच है जो कि हेलो किट्टी की तरफ से आती है। पीछे कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि कैसे इसको यूज करना है, जिसकी हमें कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसको तो हम बताने वाले हैं ना। तो सबसे पहले भाई हमें इसके अंदर से वॉच लेनी है, जिसके बाद आप लोग देख सकते हो कि ये हेलो किट्टी जो है भाई एकदम 3D और HD प्रिंटेड में बनी हुई है और इसके ऊपर यहाँ पर भी लिखा हुआ है हेलो किट्टी। और भाई ये इसका जो स्ट्रैप है वो भी बहुत अच्छा है, तो आप इसको मोड़ तोड़ के भी देख सकते हैं, इसको कुछ नहीं होने वाला। और इसके जो लॉक है वो भी काफी तगड़े तरीके से, और ये आप देखोगे तो कांच का इन्होंने पैटर्न दे रखा है, ये देखो है ना कितना बढ़िया लग रहा है। इसकी वजह से ट्रांसपेरेंट दिखती है, जिसके से और भी ज्यादा इसका लुक बहुत कूल आता है। और इसको आप जैसे अपने हाथ पे पहनोगे तो ये देखो कितना ज्यादा प्यारा लुक आ रहा है। यहाँ से इसका टाइम वगैरह सेट कर सकते हो और नीचे वाली लाइट जैसे आप दबाते हो तो ये अंधेरे में ग्लो करती है। तो भाई इसका तो एक लाइव डेमो लेना पड़ेगा, तो लाइट्स को करते हैं ऑफ। ये देखो माइंड ब्लोइंग यार, इसके अंदर भाई 2-4 लाइटें जलती है, पिंक कलर की, ब्लू कलर की, रेड कलर की, ग्रीन कलर की, और ये देखो भाई डीजे राजेश वाली भी लाइट जल रही है। और ये कांच वाली जो साइड है भाई उसी की वजह से ना इसके अंदर से लाइट बाहर की तरफ आती हुई दिखती है यार। ये सच में आप किसी शादी वगैरह में जाओगे ना पहन के सब पूछने वाले कि भाई ये कहां से लेके आए, तो बता देना फनवास भैया ने गिव अवे करी थी। तो भाई लाइट को करते हैं ऑन। तो यार अगर आप लोगों को भी इस तरीके की ग्लोइंग वॉच बहुत ज्यादा पसंद है जो पार्टी में भाई एकदम ग्लो करती है और ये बिल्कुल भी चीप नहीं लगती क्योंकि ये एक महंगा वाला एडिशन है, तो ये हेलो किट्टी की तरफ से आता तो ये और भी ज्यादा अच्छी लग रही है। तो यार अगर आपके घर में कोई छोटी बहन है या आपकी कोई छोटी सिस्टर है तो ये उसकी काफी ज्यादा काम आने वाली है। तो आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे वॉल लिख देना और उसके आगे आपको लिखना है हेलो किट्टी वॉच, ताकि ये हेलो किट्टी की तरफ से आने वाली ग्लोइंग वॉच आपको गिव अवे हो सके। तो इसको रखते हैं इसकी जगह पे। तो ये आ गया हमारे हाथ में भाई साहब ANT स्पोर्ट्स की वालों की तरफ से एक गेम पैड, और इसको देख सकते हो यहां से इस तरीके से बटन दबा के रखना और इस वाले बटन को दबा के ऐसे घुमा देना तो हवा लग जाएगा हो, या फिर आप जो है भाई बैटल ग्राउंड में अगर खेलते हो तो इस वाले को घुमाना और इस तरीके से दबा के रखना 3 बटन को, तो भाई इससे चलने वाली है गन। और अगर इसको दबा के रखोगे L2 को और R2 को तो भाई साहब गन इतनी तेज चलती है ना धु 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 करके, तो ये काफी तगड़ा होने वाला है। और इसके अंदर LED लाइट देखे ताकि आपको पता रहे कि बैटरी कितनी बचे कितनी खत्म होने वाली है, और ये यहां से भाई चार्ज भी होता है। और उसकी सबसे अच्छी बात मुझको क्या लगती है कि ये भाई एक तो काफी भारी है, दूसरा कि इसको पकड़ना बहुत आसान है, और तीसरी चीज जो कि इसके अंदर भाई कोई तार वाला झंझट नहीं है, यानी कि इसको आप अपने फोन से गेम को कनेक्ट करो और बड़े आराम से फोन को दूर रख के खेल सकते हो, या अगर आपका एंड्रॉइड टीवी है स्मार्ट टीवी है तो उसके अंदर भी आप गेम डाउनलोड करके बड़े आराम से पबजी वगैरह खेल सकते हो। और ये आप देख सकते हो कितना अच्छे मेटल का ये बना हुआ है, तो इसके अंदर आपको 3D और HD वाला सिस्टम भी देखने के लिए मिलता है। अगर आपको इस तरीके की गेम पैड गेम कंट्रोलर पसंद है जिनके अंदर कोई तार का झंझट नहीं होता, चार्ज करो डायरेक्ट खेलो चाहे फोन से चाहे टीवी से, तो आपको लिखना अपना नाम, इसके आगे वॉल लिखना और इसके आगे आपको लिखना है एंट का गेमिंग वाला रिमोट कंट्रोल, ताकि ये गेमिंग का रिमोट कंट्रोल आपको गिव अवे हो सके, या फिर गेम पैड लिख देना। तो इसको रखते हैं इसकी जगह पे। और अब बारी आती है उन 15 लोगों को शॉट आउट देने की। तो ये हैं वो 15 नाम, अजीज खान, आदित्य बॉय, कुणाल कोनेर, हुमेद, रयान, उमर, शिवम, अनु गोटिया, भावेश, दीपांकर, केविन, तलहा, जिबेन और धृतिमान रॉय और अक्षत जायसवाल, आप दोनों को हैप्पी बर्थडे, यानी कि आपके हार्दिक शुभकामनाएं आपके जन्मदिन की। तो आज इन 15 में से किन्हीं 3 लोगों को मिलने वाला भाई USB से चार्ज होने वाला एक LED लैंप जो काफी ज्यादा सॉलिड है। और इसकी सबसे अच्छी चीज क्या है कि एक तो ये कांच का है, दूसरी चीज कि इसके साथ जो रिमोट कंट्रोल आता है ये उसी से चल जाता है, ये देखो। और अगर आपको मन करे तो यहां से भाई कोई सा भी कलर इसमें कर लेना जो आपको रात को अच्छा लगे लैंप में, या फिर अपनी फिंगर से टच करोगे तो ये भाई देखो कलर बदलती है। अब मैंने दोबारा टच करा तो ये दोबारा बदल देगी, दोबारा बदला तो दोबारा बदल सकते
सकते हो, अगर मैं इसे दबा के रखूंगा तो ये बंद हो जाएगा। तो या तो आप रिमोट से चला सकते हो या इसको अपने आप फिंगर से भी चला सकते हो। तो यार मानना पड़ेगा कि आज जिन भी 15 लोगों में से किसी 3 लोगों को ये मिलने वाले, तो उनकी तो वाकई में बहुत ही ज्यादा बल्ले बल्ले होने वाली है। तो यार ये तो आज का बहुत ही ज्यादा अल्टीमेट ताबड़तोड़ कलेक्शन, जिसके अंदर एक नहीं दो नहीं बल्कि 12 से 13 कार थी डाईकास्ट की, क्योंकि आरसी स्टंट कार भी एक मेडल की थी। और भाई आरसी स्प्रे कार से लेकर गेम पैड तक, गन तक, सारी चीजें बहुत ही ज्यादा अल्टीमेट थी। अगर आपको जो पसंद आया अपने नाम के आगे वो लिख देना और वो चीज लिख देना, ताकि वो चीज आपको गिव अवे हो सके। या अगर आपको भी ये पूरा का पूरा कलेक्शन ही बहुत ज्यादा अच्छा लगा हो तो करें ज्यादा से ज्यादा लाइक करें अपने इसको दोस्तों में, ज्यादा से ज्यादा शेयर। और जो लोग भाई शेयर और कमेंट करते हैं लाइक के साथ साथ, उनमें से किसी 600 लोगों को इस बार सिलेक्ट करा जाएगा और उनमें से किन्हीं भाई 20 लोगों को दे दिया जाएगा ये अल्टीमेट कलेक्शन ऑफ टॉयज का गिव अवे। लेकिन शेयरिंग जो है भाई एकदम जेन्युइन होनी चाहिए। तो यार अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल की सब्सक्राइब, बाजू में दिखाई बेल आइकन, तक आने जितने लेटेस्ट वीडियो आप लोग सबसे पहले देख पाए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।